Assalamualaikum and welcome once again to करोड़ों में खेल. और करोड़ों में आप बिल्कुल खेल सकते हैं. वैसे किसने कहा कि 13 का जो नंबर होता है वो अनलकी होता है? हमारे शो में तो 13 का नंबर इज लकी. अगर आप 13 सवाल के सही जवाब दे देंगे तो आप बन सकते हैं करोड़पति और करोड़ों का बंगला कैन बी योर्स. उसमें सोचिए बंगले के बाहर ना नेम प्लेट, आपका नाम कितना अच्छा लगेगा, है ना. और फिर जब घर मिल जाए तो घर के अंदर एक्सेसरीज, फर्नीचर, वो सारा कहाँ से आएगा, अप्लायंसेस कहाँ से आएंगे, वो भी हम आपको देंगे. और घर के अगर बाहर आएंगे तो वहाँ पोर्च खाली खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब गमले आप खुद ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ पोर्च पे खड़ी हुई गाड़ी 800 सीसी की गाड़ी, वो भी हम आपको देंगे. और अगर आप ज़रा थोड़े से ज़्यादा ही कोई फैंसी सोच रखते हैं तो आपको मर्सिडीज कार भी मिल सकती है, साथ में एक अदद बाइक भी हो सकती है. कभी मौसम अच्छा हो, जैसे यहाँ कराची का आजकल है, तो आप एक अपनी बाइक को निकाल के राइड पे जा सकते हैं. रिश्तेदारों का दिल रखना हो तो एक्स्ट्रा चीज़ें उनके लिए भी हैं. बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को. डायमंड का सेट हो गया, एक और बाइक है, फिर उसके अलावा क्या है यार, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, बहुत सारा सोना है. तो आप और आपकी फैमिली और आपका ख़ानदान सब इन्जॉय कर सकते हैं. यहाँ आइए तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी और मेरी. यहाँ आप लोग शो पे आएंगे, अभी सेलिब्रेशन चल रही है करोड़ों में खेल शो की. और ये महीना सेलिब्रिटीज़ और हमने चुन के माशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, टॉप सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स इन पाकिस्तान, लेकिन हमने चुन के आपके लिए इंतखाब किया 8 बहुत ही अमेजिंग. आज उनके साथ मज़ा भी आया बात करने का, वर्ल्ड सेलिब्रिटीज़ का. तो आज शो पे जो आ रहे हैं उनके बारे में आपको क्या कहूँ. पहले बात करते हैं सर्दी की. मुझे बड़ी हंसी आ रही है आजकल कराची में, एक हल्की सी हवा चली है, ठंडी हवा कह सकते हैं क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो इसलिए वहाँ तो सॉलिड सर्दी पड़ती है और इस साल तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है. तो यहाँ अभी कहते हैं ठंडी हवा का झोंका चढ़ा है, सबकी लेदर जैकेट्स निकल आई हैं. मेरे यहाँ कैमरा मैन ने भी लेदर जैकेट पहनी है, सीरियसली उनको ठंड लग रही है. लेकिन ये कि यहाँ का मौसम जो है बड़ा खुशगवार हो गया है. शायद आपके घर में हीटर नहीं जल रहे हों, थोड़ा सा कुछ अगर ऐसा मसला है तो कोई बात नहीं, अगर हीटर नहीं है और सर्दी लग रही है तो ये सेलिब्रिटी जो है इज़ अ हीटर. जी ही इज़ अ हीटर, ही सो हॉट, ही सो सिज़लिंग, ही इज़ अमेजिंग. और जो सबसे अच्छी बात है कि हमें स्टार को देखने के लिए पहले जो बहुत सारा खर्चा करके सिनेमा तक जाना पड़ता था, साथ में सबको पॉपकॉर्न और बाकी लवाजमात भी खरीद के देनी पड़ती थी ताकि हम एक झलक दानिश तैमूर की देख लें, उनको हंसते हुए, रोते हुए, डांटते हुए, मटकते हुए देख लें. अब वो वापस से हमें हमारी टीवी स्क्रीन पे नजर आने लगे हैं. तो लेट्स वेलकम दानिश तैमूर. नहीं समझ गया, दोबारा करो. कैसे क्या, मुझे भी सिखाओ. क्या सिखाओ, आदाब किया था. सलामुअलैकुम. सलामुअलैकुम जी. ओए हाय, चीज में हर अदाम में इतना ग्लैमर. अच्छा, बहुत ग्लैमर माशाल्लाह. मतलब एक नजर आता है ना, एक फिल्म स्टार वाला ये कैरिज्मा, ये चल के आए तो पता चलता है ना, चीख चीख के बोल रहे हैं फिल्म स्टार, फिल्म स्टार. बट सो नाइस टू सी यू अगेन इन ड्रामास. और ड्रामा बहुत जबरदस्त जा रहा है, बट इतना खतरनाक कैरेक्टर. हाँ जी, जब मैं इसको पढ़ रहा था ड्रामे को तो मुझे भी ऐसे ही फील आ रहा था कि यार ये बड़ा ख़तरनाक होगा, लोगों ने मुझे इस तरह कभी देखा नहीं है. बट मुझे लगता है कि मैं शुरू से, अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखेंगे तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स ही करता पाया हूँ, तो मुझे वो करने में डिफरेंट ही लगा. मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट. आई एम श्योर फैमिली वगैरह सब ने बड़ा सपोर्ट किया होगा कि दोबारा ड्रामा. एक बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने अम्मी अब्बू से, तो चले उनको मैं किसी तरह मना लेता क्योंकि मैंने कभी इतना नेगेटिव कैरेक्टर किया नहीं. मैंने इसके लिए पूछा था अपनी सास से. मैंने उससे कहा देखिए ये एक स्क्रिप्ट आया है, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया है, आप देख लीजिए, कल को अगर आपको ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी छोड़ देता हूँ. कैसी क्या कहा उन्होंने? नहीं, गो अहेड, बिल्कुल करो, क्यों नहीं, तो एक्टिंग है. बड़ी सेफ पार्टी से पूछा है क्योंकि सास को तो दामाद में कोई खराबी नजर आ ही नहीं सकती. हाँ ये भी है, बट उनको बताना ज़्यादा ज़रूरी था. हाँ. कहीं ऐसा ना होता ना कि एक दिन वो टीवी देख रही होती कि ये दानिश क्या कर रहा है टीवी के ऊपर. लेकिन क्या सोचा था जब फिल्म्स कर रहे थे, तो क्या सोचा था कि मैंने ड्रामा नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्टर्स कर रहे हैं ऐसे कि भी हमने ड्रामा नहीं करना, सिर्फ फिल्म्स. टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले सोचा था ये ना कि नहीं अभी थोड़ा सा ब्रेक करेंगे,
अच्छा मेरे पास उतने अच्छे स्क्रिप्ट आ भी नहीं रहते ड्रामे के कि मैं सोचता कि यार मैं फिल्म्स को छोड़ के फिर ड्रामे करूँ बट एक फिल्म एक साल के अंदर बहुत कम है हाँ और हमारे यहाँ अभी फिल्म्स उतनी ज़्यादा बनती नहीं है आई मीन अभी ऑन फोर कितनी फिल्म होंगी 10-11 तो एक साल के लिए तो इट्स नथिंग देखिए वैसे न्यूज़ में बता रहे हैं कि हर फिल्म जो है करोड़ों अरबों कमाती ये सही आंसर है फिगर्स हर फिल्म नहीं कमाती जो अच्छी होती है वो तो ऑब्वियसली कमाती है वो रेशू बहुत कम है बहुत कम है अच्छा मैं जैसा पूछ रही थी अभी पूछने लगी थी कि वापस ड्रामे कर रहे हो तो ये फैमिली ने सास ने सपोर्ट किया किसने सपोर्ट नहीं किया और क्या था मुझे ये कैरेक्टर करने के लिए सपोर्ट किया ये शायद अगर वो मुझे मना करती तो फिर मैं ना करता अच्छा लेकिन किसने ये कहा कि दानिश तैमूर तुम्हें ड्रामे नहीं करने चाहिए अब दोबारा ये कितने लोगों ने कहा और क्या वजह थी और क्या सोचा ये मुझसे शायद किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें ड्रामे नहीं करने चाहिए आई मीन मैं खुद नहीं कर रहा था ड्रामे क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा सा एक्सक्लूसिव रहना चाहिए और मैं चाहता भी था कि अगर कोई मुझे पैसा खर्च करके देखने आ रहा है तो यार मुझे उतना एक्सक्लूसिव होना चाहिए और फिर जब मैं वो टाइम इतना लगने लगा एक फिल्म के लिए एक साल एक्टिंग इज़ माय पैशन तो मैं उतना देर रुक नहीं सकता हूँ मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं मुझे एक्टिंग करनी है तो वो अब ड्रामे में ही कर सकते हैं अभी सर एक एक्टर हैं मुझे इतना तरस आया उन पर कि दाढ़ी बढ़ा रहे हैं बाल बढ़ा रहे हैं एक अजीब सा क्यों भाई यार वो मेरी फिल्म शुरू होने वाली है कब शुरू हो रही है अभी शुरू हो रही थी डिले हो गई तो अच्छा फिर ये नहीं नहीं ये मुझे रखना है कोई और मसला हुआ फिर 6 महीने डिले होगी फिल्म लेकिन वो फिर उनको रखना पड़ा सारा कि नहीं ना मैं ड्रामे कर सकता हूँ ना मैं कुछ और साइन कर सकता हूँ क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली है और आपने मतलब लड़के का एक साल ब्लॉक कर दिया देखिए अगर आपका पैशन है फिल्म अगर आपने करनी है आपको शौक है इतना करने का तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है तो देखिए बिल्कुल तो पाकिस्तान में ये फिल्म के जो एक्टर्स हैं हमारे सिर्फ काम नहीं कर रहे जहाज कर रहे हैं यार कितना कितना मुश्किल है थैंक यू सो मच गपशप का भी और बातें करते हैं और खेलेंगे मैं आपको फॉर्मेट तभी समझाती हूँ अपने शो आप इस वक्त हैं करोड़ों में खेल करोड़ मैं आज करोड़ों पे जीत के जा रहा हूँ यहाँ से ये तो डिपेंड आप पे करता है कि स्कूल में कितने अटेंटिव थे कॉलेज में कितनी पढ़ाई की आधा आधा 60-40 कर लो 60 मेरे लाइक नहीं नहीं 60 इधर जिसने हेल्प कराई है चलिए जी गेम शुरू करते हैं बैठिए हॉट सीट पे तो दानिश वेलकम टू करोड़ों में खेल फॉर्मेट में आपको शो का समझाती हूँ उससे पहले बताओ कि मेरा एक दोस्त है फेसबुक पे ही लुक्स जस्ट लाइक यू तुम्हारी तस्वीरें भी पोस्ट करता रहता है वो क्या तुम हो क्योंकि नाम तो उसका दानिश तैमूरी है अच्छा हाँ वो इत्तेफाक से मैं ही हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि फेसबुक जो है वो हर 2 या 3 महीने के बाद मेरा जो अकाउंट था वो बंद कर दिया करता था या कोई 5 मरतबा हैक हो गया मैंने सोचा मैं क्या करूँ आप अभी भी दानिश तैमूर लिखेंगे फेसबुक पे तो मेरे ख्याल से अराउंड 700-800 फेक आईडीज बनी हुई है मेरे नाम की सीरियसली तो मैं तैमूर अब रख ही नहीं सकता हाँ जी तो मैं तैमूर अब रख ही नहीं सकता हूँ मेरे जहन में आया अब क्या किया जाए तो फिर मैंने कहा यार तैमूरी होती है कास्ट है व्हाई नॉट दानिश तैमूरी इसलिए तैमूरी लिखी है स्मार्ट लेकिन वो तुम हो और उसके बाद से ये मसला अच्छा मैं वही सोचती हूँ मैंने कहा नहीं ये दानिश तैमूर आप बता रही हैं अब फिर आज इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएंगी और मैं वो डिलीट कर रहा हूँ बैठ के अच्छा मुझे पता है कौन लोग होते हैं जो ये फेक आईडीज बनाते हैं इनके पास इतना टाइम होता है इनको अल्लाह हिदायत दे बस मैं और कुछ नहीं कहूँगा मिलता क्या है कोई पैसे मिलते हैं कोई सुकून मिलता है मिलता कुछ नहीं मिलता कुछ भी नहीं मिलता इमेजिन हम जैसे लोगों के लिए इतना टाइम निकालना इतने स्टूपिड काम के लिए मतलब आप इतने फारिग हैं कि आप सेलिब्रिटीज की जो है वो आईडी चोरी कर रहे हैं क्या मिलेगा आपको हाँ चलें फॉर्मेट आपको बताते हैं यहाँ आपको बहुत कुछ मिल सकता है क्योंकि आप थोड़ा सा जी हाँ मैं देख रहा हूँ मेरी नज़र जो है वो मर्सिडीज और बैंगलोर पे ही है इस वक्त ये थोड़ा नीचे आओ ना अच्छा नीचे आओ डायरेक्ट तीसरी मंजिल पे पहुंच गए नीचे आओ नीचे से इंसान ऊपर जाता है जैसे आप भी अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप गए हैं अच्छा ये सब खेलने पड़ेंगे मुझे स्मार्टफोन 70cc बाइक लैपटॉप होम अप्लायंसेस देखो लड़का कोई बात ही नहीं सुन रहा हूं तो भाई तक गया मैं खुद समझा दूं उसको ये पहला दरवाजा देख रहे हैं हम हां जी जिस पे वो ऐसे चेने लगी हुई है जी ये बंद है और पहली मंजिल पे अंदर जाने के लिए आपको ये 4 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे और उसके बाद जंजीरें टूट जाएंगी जंजीरें टूट जाएंगी तो आप दूसरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे दूसरी मंजिल की जंजीरें टूटेंगी तो आप तीसरी मंजिल पे पहुंच जाएंगे जहां ग्लैमर ही ग्लैमर है लग्जरी ही लग्जरी है उससे पहले आपको वो जरूरतें आपको मिल रही हैं वो चीज़ें मिल रही हैं जो कि एक्चुअली हमारे लिए ज़रूरी है पहला अगर सवाल का सही जवाब आप देंगे तो स्मार्टफोन मिलेगा तुम्हारा वाला पुराना हो गया चेंज कर लो हम चेंज कर देंगे आपको फ़ोन 70cc बाइक मिलेगी दूसरे सवाल का सही जवाब दिया तो लैपटॉप मिलेगा अगर तीसरे सवाल का भी जवाब दे दिया तो
और चौथे सवाल का सही जवाब दिया तो क्या होगा? तो होम अप्लायंसेस। वो क्या होते हैं? वो क्या होती है? क्या होते हैं? बहुत सारी चीजें आती हैं होम अप्लायंसेस। हाँ, जैसे रेफ्रिजरेटर आता है, वॉशिंग मशीन, एसी आता है, वॉशिंग मशीन आती है, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर आता है, माइक्रोवेव। आयजा को इंटरेस्ट ज्यादा होगा इसमें। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं। आयजा को प्लीज फोन मिलाएं। तो उनके मतलब की चीजें हैं इसमें, आगे भी हैं। उसके बाद ये अगर आपने मंजिल पार कर ली तो ये चीजें आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, ठीक है, दूसरे चैनल वाले भी नहीं, ये आपके साथ जाएगा। ये शेजोर करा देंगे, सारा सामान लोड करा के आपके साथ जाएगा। okay. अभी साथ चला जाएगा वापसी। अभी के अभी यार, मतलब वेट नहीं कराते हम। तौबा तौबा। हाँ, उसके बाद फिर दूसरा, अच्छा ये तो आपके साथ जाएगा ही जाएगा। अब नेक्स्ट मंजिल पे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया तो नीचे आएंगे, ठीक है। पांचवा सवाल सही जवाब दिया तो बाइक लेके निकल जाना, शेजोर पीछे आ जाएगी। नंबर दे देना, बस उसको एड्रेस बता देना, सामान कहाँ डिलीवर करना है। छठे सवाल पे आयजा के लिए डायमंड सेट है। ओके। सातवें पे हमने कहा कि यार अपना रूम का सेट चेंज करो, बेडरूम सेट चेंज कर दो, चेंज कर दो, सबसे मुश्किल काम है ये। नहीं, ये चेंज कर देना, ये वाला उसमें फिट कर देना, बहुत अच्छा किंग साइज, वेरी नाइस, कंफर्टेबल, पूरा बेडरूम सेट है, उसमें कबर्ड भी है। डिपेंड करता है आयजा को पसंद आता है तो। क्यों नहीं, नहीं नहीं, मेरी चॉइस है, पसंद आएगी उसको। अच्छा। मैं जाके खुद ऑर्डर देती हूँ। हाँ, ये वाली लकड़ी लगाना, हाँ जी ये वाला ऐसे, मतलब इसका बैलेंस ठीक हो, सारा मेरे सामने ही तैयार होता है। हाँ ओके। और आठवां सवाल अगर सही जवाब दिया तो 5 तोले गोल्ड। हाँ, बस तोले गोल्ड, ये यहाँ तक खेल लिया तो बॉस बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत माल मिलेगा, बहुत चीजें मिलेंगी। अच्छा, 3 लाइफलाइंस भी है। वो वहां तो आऊंगी ना थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, पहले दूसरी मंजिल से तीसरी पर तो पहुंचो। तीसरी मंजिल पे फिर दरवाजा है, और दरवाजे की उस तरफ क्या है? 800 सीसी कार, 15 तोला गोल्ड, 1300 सीसी कार, मर्सिडीज। हां, ये पहुंचे हैं आप लोग, मेरे थोड़ी सी ये मेरा इंटरेस्ट है। मैं आधा बोली हूं, मर्सिडीज, मर्सिडीज, और 13 पे बंगलो, बस बंगलो, शाबाश। तो 13 सवाल पूरे खेल गए, तो बस उसके बाद ऐश ही ऐश है। क्या इस्तकबाल होगा घर में जाओगे ना इससे? आया आया, यहाँ से ढोल बजाने वाले साथ साथ ले जाऊंगा मैं अपने। सास ने हार उठाया होगा, बेटा मुझे तुम पे पूरा यकीन था, एक दिन तुम ये सब लेकर आओगे। बिल्कुल। तो बहुत खुशियों के साथ और नेक दुआओं के साथ जो है हम शुरू करते हैं गेम। 3 आपके पास लाइफ लाइन्स हैं जो सिर्फ पहले और दूसरी मंजिल में यूज़ कर सकते हो। ये बेकार हो जाएंगी। नहीं तो अगर मैंने ये यूज़ ही नहीं की, तीसरी के लिए बचा के रखी फिर, तो ये कोई मिरेकल होगा। लेकिन अगर अच्छा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी में वो यूज़ नहीं कर सकते, वो फिर यहीं रहेंगे, यहाँ से पैकअप करा देंगे इनका। तो अच्छा, एक और बात, दो बातें बल्कि, और कहीं अटकते हो, लाइफलाइन नहीं है या नहीं ली और जवाब दे दिया, जवाब निकला गलत, तो टक 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 गिर के आप पहली मंजिल तक आ जाएंगे। अच्छा, मैं अगर तीसरी मंजिल पर भी पहुंच गया होगा तो पहली पे आ जाऊंगा? पहली पे आ जाऊंगा। अगर गिव अप कर जाओगे, सरेंडर कर जाओगे कि जी मुझे सवाल का जवाब नहीं आता, मैंने रिस्क नहीं लेना, गिव अप, तो वहां तक जितना जीतोगे सब मिलेगा। ओके, फाइन, फेयर। तो जी देखते हैं ब्रेक के बाद दानिश तैमूर आज के शो में करोड़ों में खेलेंगे या सिर्फ खेलेंगे। करोड़ों में खेल, दानिश तैमूर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल आपके लिए ये है, पहला सवाल, खला में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? पहला जानवर, पहला जानवर, इंसान के बारे में नहीं पूछ रहे, जोर है जानवर। और ऑप्शंस हैं आपकी दानिश, आई क्यूट, लेकिन कैसे गया होगा? ऑप्शन ए गधा, सोचो
पेस में जा रहे हैं. ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी डॉगी, ऑप्शन डी हाथी. तो सोच रहा हूँ हाथी अगर गया होगा बेचारा तो वो तो स्पेस में जाके इधर उधर घूम ही रहा होगा, किसी सैटेलाइट से टकराया होगा तो वो भी टूट गया होगा. सोच उसकी यहाँ जा रही होगी खुद इधर उधर. हाथी तो नहीं जा सकता, हाथी तो नहीं जा सकता, घोड़ा भी नहीं हो सकता, वहाँ घास नहीं है ना, क्या खाएगा. और गधे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सी होना चाहिए. सी क्या है? डॉग. डॉग है ना, आप भी नहीं कह सकते ना, बुरी बात. बुरी बात, मेरी बेटी भी देख रही होगी ना तो भी. हाँ तो हम डॉगी कहेंगे, आप जो मर्जी लिख लें लेकिन हम डॉगी कहेंगे. तो गधा नहीं जा रहा, ये दानिश कह रहे हैं बी घोड़ा भी नहीं है, बी वो कह रहे हैं हाथी भी नहीं है, पता नहीं क्या लॉजिक है इसमें. वो कह रहे हैं कि डॉगी है जो गया था. तो मैं लॉक कर दूँ आपकी आंसर को या कोई शक है अभी? मुझे सिर्फ सोचना चाह रहा हूँ कि कोई हाथी को क्यों स्पेस में लेके जाएगा. चले डॉग तो आपका पेट होता है. हाँ. आप साथ ले गए होंगे उसको कि दिल नहीं लगेगा यार चलो इसको साथ लेके चलते. गधे को भी लेके जा सकता कोई, और घोड़ा तो बेचारा नहीं. सी हाथी शायद उड़े नहीं ना तो इसलिए होगा कि शायद वो एक कार्टून था ना वो डम्बो, हैव यू सीन दैट? क्यूट वो. हाँ बड़ा क्यूट सा था वो, क्यूट होगा ऐसा हाथी, क्यूट बड़ा लगेगा स्पेस में. लेकिन लॉक कर रहे हैं हम ऑप्शन सी. दानिश ने कहा लॉक कर दें और पीली बत्ती ऑन हो गई है. पीली बत्ती मीन्स कि अब कुछ नहीं हो सकता. और हरी बत्ती ऑन हुई तो सही जवाब, लाल बत्ती मतलब बाय बाय, टाटा बाय. आप भी अभी स्पेस तक जाएंगे. तो जीत चुके हैं स्मार्टफोन अपना वाला फेंक दो. तो बहुत आसान था. दूसरा सवाल फॉर 70cc बाइक. दानिश आर यू रेडी? यस रेडी. ओके हियर वी गो. इनमें से कौन सी चीज दांतों को सफेद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेब का सिरका, ऑप्शन बी कुकिंग ऑयल, ऑप्शन सी सर्फ, ऑप्शन डी फिटकरी. सोचो. सर्फ और कुकिंग ऑयल तो नहीं हो सकता, सेब का सिरका और फिटकरी. आई गेस फिटकरी है. मुझे लगता है बता देना जब मतलब फाइनल हो, क्योंकि एक बार पीली बत्ती ऑन हुई तो लॉक हो जाता है. तो फिटकरी तुम्हें लग रहा है सर्फ? क्यों नहीं सर्फ? सिर्फ कैसे दांत साफ करेगा कोई? कभी ट्राई नहीं किया? मैंने तो नहीं किया. करना अगर पता चले ना कि क्यों नहीं. अच्छा कुकिंग ऑयल भी नहीं, वो तो दो रिजेक्ट हो गए. अब ए और डी ऑप्शंस बचे हैं. तीन लाइफ लाइन्स हैं आपके पास, आप कॉल कर सकते हैं किसी को जो जागा हो अभी और होश में और बहुत समझदार. दो जवाब आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस सेकंड ऑप्शन में और वो लॉक हो गए और उनमें से एक भी ठीक हुआ तो करेक्ट उसको कंसिडर करेंगे. रहनुमाई कीजिए, मैं आपको कोई क्लू दे सकती हूँ. तो पता नहीं मुझे कुछ बचपन में याद आ रहा है, दादी शायद कुछ. ए मुझे लगता है कोई एक पुरानी एक मेमोरी है जो कह रही. अब आई डोंट नो वो सेब का सिरका है या फिटकरी है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक है. लॉक कर दो. ए लॉक कर दो. चलो जी ए पे पीली बत्ती जला दें आप. सेब का सिरका एप्पल साइडर विनेगर जो बहुत से इलाज और टोटकों में इस्तेमाल होता है, बहुत खट्टा होता है, वेट लॉस भी कहते हैं इससे होता है अगर पिए तो. चलें जी एंड द राइट आंसर इज
रिएक्शन है। दादी ने बचा लिया आज तुमने। कभी सास बचाती है, कभी दादी बचाती है। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन फॉर लैपटॉप। इसको लैपटॉप क्यों कहते हैं? लैपटॉप। ओके, ओके बाय। ओके बाय जी, सवाल दिखाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा झोपड़ियां किस मुल्क में है? ऑप्शन पढ़ो जी, क्या है ऑप्शंस? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। झोपड़ियां किस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा? ए भारत, बी बांग्लादेश, सबसे बड़ा स्लम जो है वो इंडिया में है, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ए इंडिया, क्योंकि सबसे बड़ा स्लम बॉम्बे में है, बांग्लादेश। अगर मैं दो जवाब दूं इसके तो अच्छा चांस बन जाएगा, तो मैं लाइफलाइन यूज करेंगे तो दो रह जाएंगे, तो मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। कर लें यूज, आपकी चीज है। ओके कर लें यूज, ठीक है। कौन सी? दो जवाब, तो दो जवाब सिलेक्ट करें जी। दो हम एलिमिनेट कर देंगे, दो रह जाएंगे, उनमें से एक भी करेक्ट हुआ तो लक। Whether it's A, India or B, Bangladesh. अच्छा, दो में कंफ्यूजन, भारत और बांग्लादेश। हाँ ठीक है, मैं भी होती तो शायद यही दो चूज करती, लेकिन मैं नहीं हूँ, शुक्र है। तो दो लॉक कर दें जी, भारत एंड बांग्लादेश दानिश ने सिलेक्ट किया जी। अच्छा, मेरे जहन में चल रहा था कि शायद ए हो, थैंक गॉड मैंने ये लाइफ लाइन यूज़ की, वरना मैं सोच रहा था कि शायद ये बोल दूँ। और वो लगता है वाकई, क्योंकि सबसे बड़े स्लम्स वहीं हैं और उसके बाद, लेकिन झोंपड़ियाँ ज़्यादा, मतलब कंफ्यूजिंग तो है। और हाउ इज लाइफ विद नाउ टू किड्स, इतने प्यारी 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 चीज़ें लाइफ में। किड्स आर ब्लेसिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स ऑलवेज फन बीइंग विद देम, और वो जो टाइम गुजरता है उनके साथ वो बहुत ही अच्छा होता है। और बोल एंटरटेनमेंट देख रहे हैं आप? हाँ, एक दो ड्रामे हैं आपके, एक तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कफारा, बोल कफारा क्या होगा, है ना, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा वो सॉन्ग है। एक और आपका ड्रामा चल रहा है अदनान भाई का, अदनान सिद्दीकी का, समिया मुमताज, नूर है उसमें। मोहब्बत करना मना है? मोहब्बत करना मना है, फिर भी सब कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, लेकिन मना है वो, अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी। थैंक यू वेरी मच। और आप भी बोल एंटरटेनमेंट के नए ड्रामा ज़रूर देखिएगा। मैं खुद ऑनेस्टली थोड़ा सा रात को देख रही होती हूँ, टाइम मिलता है, तो मुझे बोल की स्क्रीन बड़ी अच्छी लगी, ड्रामाज। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, वो लोग जिनको हम सालों से नहीं देख रहे थे वो दोबारा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, संभव मुझे भी लगता है कि बोल का जो एक ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी है, थोड़ी बेहतर है। मैं तो बहुत ही खूबसूरत आ रही हूं ईमान से, मैं जैकेट बहुत प्यारी, आप वैसे भी हर जगह बहुत अच्छी आती है, यहां कुछ ज्यादा है। अच्छा, थोड़ा है कुछ ज्यादा एचडी। और साथ में हाँ, कमिंग बैक टू द ड्रामास, फरियाल को मुझे खुशी उनको देख के यार, उन्होंने क्या चक्कर में एक्टिंग कर दी है, रेशम उनका काम, मतलब लगता है कोई आर्ट फिल्म चल रही है भाई, ब्यूटीफुल। नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस चैनल, बट ऑनेस्टली मैं इसमें एक्सप्रेस कर रही हूँ कि क्यों नहीं इससे पहले फरियाद नजर आई है मैं ड्रामों में, फिनोमिनल एक्ट्रेस। यस आई नो। फिर शबनम जी, शबनम जी भी कर रही है, नाइस ड्रामा किया है। फिर वनीजा नजर आएगी सालों बाद किसी ड्रामे में, तो ये बड़ा इनको क्रेडिट जाता है कि आजकल जो सब ऑब्सेस्ड है कि नहीं नया टैलेंट, ये फिल्म स्टार, ये वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये कि हम अपने बहुत सारे सीनियर्स को भूल गए हैं,
और उनकी वजह से ड्रामा ऐसा उठ जाता है क्योंकि वो जो काम करते हैं और उनका स्टाइल है वो किसी का नहीं। चौथा सवाल फॉर होम अप्लायंसेस ये है, सोना ना चांदी ना कोई महल, किस पाकिस्तानी फिल्म का ये? नदीम, कंप्लीट करो। नदीम और शबनम जी की फिल्म थी, उसका नाम था बंदिश। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। ब्यूटीफुल। ये मेरा गाना कब आ रहे हैं? बुरे वक्तों के लिए रखा है टैलेंट। नहीं, मेरे और भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैंने अपने थोड़े आगे की एज के लिए रखे हुए हैं कि जब थोड़ा सा और यू नो, जब ये भी छोड़ दूंगा तो फिर क्या करूंगा, तब करूंगा ये सब। आवाज तो सॉलिड है यार, ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा गाना गाते हो माशाल्लाह, अभी तक क्यों नहीं गाया? गाया क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतनी अच्छी आवाज है। नहीं, बहुत अच्छी आवाज है। और कौन सा टैलेंट है जो आगे के लिए रखा है? मैं मिमिक्री भी करता हूँ थोड़ी बहुत। है मिमिक्री? मतलब बचपन में करता था बट अभी कम कर दी है। अच्छा, एक काम करते हैं, जहाँ तुम फंसोगे ना थोड़ी सी, जहाँ मिमिक्री करोगे ना, मैं वहाँ पर क्लू दूँ। एक्सेप्शन फॉर यू, डन, एक्सेप्शन बिल्कुल। जहाँ फंसोगे ना, मिमिक्री की अच्छी लगी तो मैं अचानक ऋतिक बन जाऊँगा, अचानक मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाऊँगा, और फिर देखते हैं आगे। शाहरुख खान कहीं पर कहीं जहाँ मैं फंसूँगा, ठीक है? जवाब है, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो बनता ही था दानिश, शाबाश। थैंक यू, फख्र है तुम पे। पहली मंजिल पार हो गई, ताले टूट गए, जंजीरें कट गईं, और अब दूसरी मंजिल पे, जहाँ सबसे पहले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है 150 cc की बाइक। बाइक के लिए क्या सवाल है आपके लिए, आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। खेल में आज है दानिश तैमूरी। तैमूर तो फेसबुक पे क्यों बुलाया मैंने? फेसबुक पे बस ऑप्शन आ रहा था, मैंने कहा चले तैमूरी। लेकिन किसी ने कहा नहीं उसके बाद मेरी तरह दानिश तैमूरी? सबने पूछा है ना यार, मियां ये क्या हुआ? मैंने सबको अब एक ही स्टोरी बार बार बता बता कि भाई मेरा हैक हो जाता है, फेसबुक बंद कर देता है। तो क्या कर सकते हैं, दानिश तैमूर हमारे साथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं। स्मार्टफोन जीत चुके हैं, 70 cc बाइक जा चुकी है, लैपटॉप घर पहुंच ही गया तकरीबन, होम अप्लायंसेस अभी बुलवाया है उसको, लोड करा रहे हैं गाड़ी में, तो ये तो आपसे कोई नहीं ले सकता जी। अब आगे रिस्क बढ़ गया है, दो लाइफलाइंस रह गई हैं, और गिवअप करते हो कहीं भी अटकते हो तो बचत है, क्योंकि उससे पहले जो तमाम सामान जीता है मिलेगा, वरना यू फॉल डाउन टू लेवल 1 एंड ओनली 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। okay. चार चीज़ें तो नहीं, होम अप्लायंसेस में बहुत कुछ है। पहला सवाल फॉर 150 cc बाइक साइलेंसर के साथ, क्या है? सज्जी पाकिस्तान के किस सूबे की मशहूर डिश है? बलूचिस्तान। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी पंजाब। मैं तो पूरा खेलूंगी भाई, तो मैं आता हूँ ना, लाइनें काट रहे एक्टर तो नहीं कि हम ड्रामा करेंगे और तुम मेरे सीन्स कटवा दोगे? हरगिज़ नहीं। अक्षय कुमार तो नहीं तुम पाकिस्तान के सीन कटवा देता? ओ बदनाम है जमाना ऐसा वैसा। हाँ, सी सी ये जमाना, सी खैबर पख्तूनख्वा, डी बलूचिस्तान। सज्जी किस सूबे की मशहूर डिश है और तुमने कहाँ खाई है? मैंने तो कराची में खाई है। ठीक है, पकती कैसे? पकती कैसे? ये लकड़ी पे जो कोयले पे जो
कोई भी या तो लैम की या चिकन की लेग होती है वो उसके साथ. तो जी ऑप्शन क्या लॉक करें? मुझे लगता है कि शायद ये डी है. कहाँ की है सर जी? या सिंध है या बलूचिस्तान है. या सही है या गलत. जवाब तो बॉस एक देना पड़ेगा. आपने मुझे हेल्प करना था? आपने अभी कहा मुझसे? फिर मिमिक्री करनी पड़ेगी. मैं हेल्प करूंगी. पाकिस्तान के किस सूबे में? यहाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है. बहुत अच्छा गेम है. बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं. हमने पापा से सीख कर आया हूँ. अच्छा जी हिंट देते हैं आपको. वहाँ का ड्राई फ्रूट बड़ा मशहूर है. बलूचिस्तान डी. हेल्प भी किया. गए सही. दो तो बाइक्स हो गई हैं. 70 cc भी हो गई, 150 भी हो गई. बेहतरीन हो गया. क्या करोगे दो बाइक्स से? घर में सर्वेंट्स हैं. सौदा इसी पे आएगा. अब सौदा इसी पे. हाँ भाई. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये 150 किसको दूँगा. फजल भाई बाइक में जाना, जल्दी से आना. हाँ जी इमरान भाई आप वो दूसरी वाली बाइक ले लें. 150 वाली पेंडे ले आए आप. उस पर डबल रोटी ले आना. सारा काम उस पर ना बाइक पे होगा. हाँ जी डायमंड सेट चाहिए या नहीं? ये तो आयजा को चाहिए ही चाहिए. आयजा के लिए उनकी पसंद के लिए उनके डायमंड सेट के लिए खेलेंगे दानिश तैमूर. किस दरख्त को शजरे हयात भी कहा जाता है? मैं विश हयात नहीं लिखा हुआ. शजरे हयात. ऑप्शन ए नीम का दरख्त, ऑप्शन बी नारियल का दरख्त, ऑप्शन सी पीपल का दरख्त, ऑप्शन डी शीशम का दरख्त. अच्छा ये क्या लाइफ लाइन है? रहनुमाई कीजिए. आप रहनुमाई करेंगे? रहनुमाई में मैं क्लू दूंगी. कोई अंकल आएंगे और वो बताएंगे सारी हिस्ट्री बताएंगे उसके बाद में. ऐसा नहीं है. कॉल कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड को. इस वक्त तो कोई जाग ही नहीं रहा होगा. है ना? काइंड ऑफ टफ. अच्छा मैं अपनी पर्सनल लाइफ लाइन यूज करूं? अब लेकिन सोचो सवाल को. मेरे पास एक लाइफ लाइन एक्स्ट्रा है ना, मिमिक्री वाली. हाँ मिमिक्री. इनको हमने बहुत सारी लाइफ लाइन दी हुई है जी. मिमिक्री वाली. तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह कुछ इधर हयात में कहा जाता है. ऐसा मस्त करेगा ना, इसका ऐसा मस्त जवाब देगा. सारा शीशम का दरख्त नहीं, नारियल का दरख्त. आप सारा सल्लू से पूछ कर आओ यार. चलो बताइए ना क्या है, क्या आ जाएगी. यार आपने बहुत तंग किया दानिश तैमूर. कहाँ तंग कर, मैं तो एंजॉय करा रहा हूँ आपको, एंटरटेन कर रहा हूँ. हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि ये दानिश सवाल है ये. किस मुल्क ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को तोहफे में दिया? ऑप्शन ए बर्तानिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन. फ्रांस और जर्मनी में से कोई एक. सेकंड लाइफलाइन यूज करूंगा मैं. रहनुमाई कीजिए. आए तो मेरे पास ही ना हेल्प के लिए. आना आपके पास ही. क्या कर रहे हैं भाई? यार मैं तो खुद थक सी गई हूँ. आज बहुत हेल्प कराई है मैंने. उफ़ आज मैं डबल थक गई हूँ. अच्छा ये ऐसा मुल्क है जहाँ आपको मम्मी डैडी के साथ जो है ना जाते हुए बहुत शर्मा.
ये बेगम गर्लफ्रेंड ऐसे वाला कुछ माहौल है. तो मैं गई थी अब्बा के साथ, ना पूछ. रियली? मैं भी गया फ्रांस, जर्मनी, बी फ्रांस. जी लॉक करते हैं बी ऑप्शन फ्रांस को. पीली बत्ती जल गई. क्या इन्होंने ही तोहफा दिया था अमेरिका को? यस, बेडरूम सेट भी चल रहा था. चलिए जी दूसरी से और बुक कराएं. नहीं नहीं, एक में ही आ जाएंगे सारे अभी तक तो. नहीं नहीं, बड़ा सेट है. दो दो शेजोर छोटी. इतना बड़ा एक शेजोर, शेजोर छोटी है ना, छोटी मिनी जल्दी में. ओके ओके, तो दो करा रहे हैं. वेल प्लेड. अब तक जीत चुके हैं दानिश तैमूर. स्मार्टफोन, दो बाइक्स, लैपटॉप, होम अप्लायंसेस, डायमंड सेट और बेडरूम सेट भी. ओफ, वो अब क्या रह गया? 5 तोला गोल्ड. क्या है ये? 5 तोला गोल्ड. 5 तोला गोल्ड के लिए सवाल है दानिश से. ये अब आया ऊंच पहाड़ के नीचे. एशिया के बुलंद कोहिस्तानी खित्ते पामीर का बड़ा हिस्सा किस मुल्क में वाकई है? उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान. ऑप्शन ए उज़्बेकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान. स्थान तो है एंड में. एंड में तो है. लेकिन शुरू में क्या है, ये मसला. 8वां सवाल है. 5 तोला गोल्ड जीत सकते हो. गिव अप करोगे तो नीचे तमाम सामान. गलत जवाब दोगे तो ये भी सब चले जाएंगे. ये सब चला जाएगा, सिर्फ पहली मंजिल के जो गिफ्ट्स हैं वो रह जाएंगे. ओके. इनाम. आई हैव नेवर बीन टू अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. कोई आईडिया नहीं है इसका तो. नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा. तो क्या करना चाहोगे अगर गिव अप करते हो तो? बेडरूम, डायमंड, डायमंड सेट, तो बाइक्स, अप्लायंसेस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सब जाएगा. गलत जवाब दिया तो यू विल लूज द डायमंड सेट, द बेडरूम सेट एंड द बाइक. फजल भाई को पैदल जाना पड़ेगा. डबल रोटी. सईद भाई को. सईद भाई. सईद भाई हमारे फजल भाई हैं. नहीं, आई थिंक मैं गिव अप करूंगा. डू आई वांट टू गिव अप? बट आई हैव टू नो. तो आई नहीं सकता. दानिश गिव्स अप. कह दो दानिश गिव्स अप. थोड़ा ऐसे बोल दो. कहना पड़ेगा आपको, मतलब दिखाना पड़ेगा ताकि ये नोट मैंने आपको दो. दानिश गिव्स अप. ब्लैक पैंथर. गिव अप. चलो जी, अगर जवाब देते, अटेम्प्ट करते तो क्या आंसर देते? मैं शायद देता सी, अफगानिस्तान. देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. अगर सी होता और वो जवाब नहीं होता, गलत होता, तो कितना कुछ लूज करते. अच्छा, मुझे अफसोस सिर्फ डायमंड सेट का होता. आयशा कहती कि यार तुम जीत गए थे यार नादिश. ये क्या किया तुमने? कम से कम एक हफ्ता तो बात ना करती. तो बड़ी सैड सीन हो जाता. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई गिव अप मैंने नहीं करना. और कुछ होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, रिस्क लेने से बेहतर है कि आप सेफ खेलो. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इंटेलिजेंट होना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. और पहले भी दानिश मेरे शो पे आ चुके हैं, लेकिन इतना मज़ा और इतना इतनी प्यारी केमिस्ट्री कभी नहीं थी जो आज थी. मौका नहीं मिला ये सब लोग. जब भी हम किसी शो पे होते थे तो वो इतने चीज़ों को लेके, पर्टिकुलर होता, फिल्म को ले लीजिए या फिर शादियाँ ले लीजिए, यू नो. बिल्कुल, वजूद की प्रमोशन पे भी मैंने बड़ा हम लोगों ने ज़बरदस्त ग्रैंड शो किया ईद पे. और इंशाल्लाह आने वाली फिल्मों के और प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम आपके साथ हैं. स्क्रिप्ट जरूर पढ़ लेना. घर जाके मैं पढ़ता हूँ. थैंक यू वंस अगेन. आपको ये तमाम चीज़ें, स्मार्टफोन, बाइक्स, होम अप्लायंसेस, लैपटॉप, डायमंड सेट और बेडरूम सेट, बहुत बहुत मुबारक हो. और आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी हमारे इस शो पे. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. गुड नाइट एंड खुदा हाफ़िज़.